बड़ौद तहसील क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में दबंगों द्वारा एक महिला के प्लाट पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित महिला बुधवार को बड़ौद तहसील पहुंची और एसडीएम को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि गांव के ही दबंगों द्वारा उसके प्लाट पर अवैध कब्जा किया गया है। वह 40 वर्ष पहले अपने ससुराल से अपने मायके गांव वाजिदपुर में रहने लगी थी। उसका वह उसके भाई का मौखिक तौर पर आपसी बंटवारा हो गया था। एक 50 गज का प्लॉट उसको दिया गया था, तभी से वह उसके प्लॉट पर काबिज चली आ रही है। 29 मार्च 2021 को उसके भाई की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उससे पहले गांव के दबंग लोगों ने उसके भाई से शराब के नशे में उसके प्लॉट का बैनामा करा लिया था। अब वह दबंग लोग उसके मकान की चार दीवारी तोड़कर अपने मकान में मिलाना चाहते हैं। पिंकी, अजी हम इसलिए आए, या मेरी फुफस है जी, मेरे पति जो है वे दो भाई है और हमारा एक प्लाट है बाहर की तरफ 50 गज का, तो दो भाइयों को तो इससे वहाँ दे दिए। मेरी दासा जो है एक हिस्सा दे कर मर रही, अपनु को बेटी तेरा रोटी रिजा किस तरह तुझे टुकड़ा मिल जाएगा, या घर जमीन समेत इस टाइम बजीत पर हमारी साथ ही रह रही भाई। काल कला को कोई बच्चे बच्चे ना करे, तो इसलिए इसका भाई मरने से पहले वो हिस्सा बेच कर कैसे चला गया, और जिसने भी चा खरीदा उन्होंने हमें कोई वजह नहीं दी या कुछ बताया नहीं, और आज वो उस पर कब्जा कर रहा और हम है नहीं थे इसलिए उसने कब्जा करा। हम यहाँ भी सुनवाई करने के लिए आए थे। क्या कहा उन्होंने? जी उन्होंने काम थारी सुनवाई करेंगे। कौन से काम का मामला? बाजिदपुर का, बड़ौद बाजिदपुर का।